हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर भरत चंद्रा। आज का टॉपिक है स्टॉक्स विच वुड अप्रिशिएट इन मानसून, डू योर रिसर्च। मानसून सीजन, बारिश का सीजन अभी साउथ इंडिया में ऑलरेडी चालू है। नेक्स्ट फ्यू डेज रेनफॉल विल स्टार्ट महाराष्ट्र में, ओडिशा, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में। रेनफॉल इज एक्सपेक्टेड टू बी नॉर्मल दिस ईयर। ये मानसून में नॉर्मली जरा कंपनियों का टर्नओवर ज्यादा होगा, उसका बारे में हम रिसर्च किए हैं, आपके लिए रिसर्च करने के लिए ये वीडियो बनाए हैं। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू स्पीक अबाउट फाइव कंपनीज विच आर सेलिंग एग्रीकल्चर रिलेटेड प्रोडक्ट्स, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, सीड्स, ट्रैक्टर्स, FMCG एक्सेट्रा। ये स्टॉकों के लिए हम बोलते हैं साइक्लिकल स्टॉक्स। अभी पहला स्टॉक है कोरोमंडल इंटरनेशनल, 1960 में चालू हुआ है और मुरुगप्पा ग्रुप बिलोंग करता है और ऑपरेशंस इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र और प्रोडक्ट्स है फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, क्रॉप्स। अभी आपका सामने कोरोमंडल इंटरनेशनल का प्रोडक्ट्स का पिक्चर रखे हैं। सेकेंड कंपनी है महिंद्रा महिंद्रा, स्टार्ट हो गया था 1945 में जगदीश चंद्र महिंद्रा से, हाईएस्ट सेलिंग ट्रैक्टर ब्रांड इन द वर्ल्ड और प्रोडक्ट्स है फार्म इक्विपमेंट्स, ट्रैक्टर्स। इधर है महिंद्रा महिंद्रा का प्रोडक्ट्स का पिक्चर। थर्ड कंपनी है हिंदुस्तान यूनिलीवर, स्टार्ट हो गया था 1931 एज अ सब्सिडरी ऑफ यूनिलीवर यूके, एंड कंपनी FMCG प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, सोप्स, टी, डिटर्जेंट्स, शैम्पूस, जूसेस, जैम्स एक्सेट्रा। उनका हाईएस्ट टर्नओवर आता है रूरल इंडिया से और रूरल इंडिया में अच्छा बारिश आया तो एग्रीकल्चर इनकम पिकअप हो गया तो इनका प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा सेल होता है। अभी आपका सामने रखेंगे HUL प्रोडक्ट्स। फोर्थ कंपनी है डाबर, स्टार्ट हो गया था एज लॉन्ग बैक एज 1884 बाय SK बर्मन। ये फोर्थ लार्जेस्ट FMCG कंपनी है इन इंडिया और वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आयुर्वेदिक एंड नेचुरल हेल्थ कंपनी है। इनका प्रोडक्ट्स है हेल्थ एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स सच एज च्यवनप्राश, हनी, हेयर ऑयल, हर्बल आइटम्स एक्सेट्रा। अभी आपका सामने डाबर का प्रोडक्ट्स का पिक्चर है। द लास्ट कंपनी है रैलिस इंडिया, स्टार्ट हो गया था 1948 में। इट इज अ सब्सिडरी ऑफ टाटा केमिकल्स। ये लोग मैन्युफैक्चर करते हैं इंसेक्टिसाइड्स, फंगीसाइड्स, हर्बिसाइड्स, सॉइल कंडीशनर्स, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, सीड डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन। दे ऑल्सो डू कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फॉर ग्लोबल कंपनीज। अभी आपका सामने है रैलिस इंडिया का प्रोडक्ट्स का पिक्चर। टेम्पररीली स्टॉक मार्केट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड इज वीक, उनको हम बोलते हैं वीक मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन इन द वर्ल्ड। इन दिस सिचुएशन वी आर गोट टू सी इन दिस मानसून वेदर ऑल दी स्टॉक्स विल पिक अप। और ये कंपनियों का सेल्स इंप्रूवमेंट होता है जून टू सितंबर एवरी ईयर। ऐसा प्रोडक्ट्स को हम बोलते हैं साइक्लिकल स्टॉक्स। आप लोगों के लिए रिसर्च के लिए एक छोटा सा टॉपिक दे रहा हूं आज आप लोगों के लिए रिसर्च करने के लिए एक छोटा सा टॉपिक दे रहा हूं। मानसून में ज्यादा हो सकता है वैसा स्टॉकों का एक लिस्ट। कोरोमंडल इंटरनेशनल अभी 961 पर है, महिंद्रा महिंद्रा 1026, HUL 2144, डाबर 496, रैलिस इंडिया 194। एक मॉडल टैबलर कॉलम आपका सामने रखा हूं, ऐसा आप एक टैबलर कॉलम बना के रोज
ये स्टॉक कितना ऊपर जाएगा, 2 महीने में कितना ऊपर जाएगा, उसका रिसर्च कीजिए। ऐसा रिसर्च करने से आपको एक आइडिया मिलेगा स्टॉक मार्केट में कौन सा स्टॉक्स कब कब ऊपर जाता है, और ऐसा ही विंटर में ऊपर जाने का स्टॉकों का रिसर्च भी करने से आपको पहले ही पता लगेगा कौन सा स्टॉकों को विंटर का पहले खरीदने का। फाइनली इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल टाइप यूजफुल इन द कमेंट सेक्शन। इफ यू आर नॉट द मेंबर ऑफ राष्ट्र महाराष्ट्र चैनल, दिस इज द टाइम टू सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकॉन, सेंड दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, एंड इफ द वीडियो इज गुड प्रेस द लाइक बटन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द होल वीडियो। बाय बाय, ऑल द बेस्ट।